वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप लोगों ने आईफोन 12 जीतना तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और गौर से सुन लो। जब आईफोन 12 मैं तब दूंगा जब मेरे इंस्टाग्राम पे 50,000 सब्सक्राइब फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोग पूछ रहे होते हैं कब दोगे, जब 50,000 जब कंप्लीट हो जाएंगे ना, मैंने टारगेट एक रखा हुआ है, जैसे 50,000 हो जाएंगे आईफोन क्या भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में एक ऑक्शन में जा, मेरे दो फ्रेंड्स को कार चाहिए थी, एक को मर्सिडीज ई क्लास और एक को होंडा सिविक चाहिए। तो चलते हैं जाके देखते हैं ऑक्शंस में आज वो गाड़ियां हैं कि नहीं। ये क्रैश कार की ऑक्शन नहीं है, नॉर्मल कार्स की ऑक्शन है, तो लेट्स गो देखते हैं। और आई तो फाइनली मैं ऑक्शन में आ रही हूँ और यहाँ पे बहुत सारी आज गाड़ियां हैं, जिसमें प्राडो, लैंड क्रूजर और टोयोटा फॉर्च्यूनर की गाड़ियां खड़ी हुई हैं। किया स्पॉटेज है, ये पोर्श मेरे पीछे खड़ी हुई है, जीप रेंगलर है, निसान पेट्रोल है, लेकिन इसके अंदर मुझे वो मर्सिडीज ई क्लास और अभी तक होंडा सिविक नज़र नहीं आई। होंडा अकॉर्ड भी है और फॉर्च्यूनर भी काफ़ी ज़्यादा ही हुई है यार। ये देखो, ये पेट्रोल के पीछे फिर फॉर्च्यूनर खड़ी हुई है। तो लेट्स सी, देखते हैं कौन कौन सी गाड़ियाँ, हो सकता है किसी और गाड़ी का भी सीन कोई बन सके ना यार, सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद से हो कि होंडा सिविक और रिबॉन वाला मॉडल जो है, यानी कि 2006 से 2011 तक वाला, और मर्सिडीज ई क्लास 18-19 मॉडल। लेट्स सी। ऑलराइट, और टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। इनमें से मैं ज़रा देख लूँ पहले लाइट के अंदर कौन कौन सी गाड़ियाँ। यार कैमरी का ये वाला मॉडल भी वैसे बहुत प्यारा है, मुझे ये वाला मॉडल भी बहुत पसंद है। अभी देखते हैं क्या मामला हैं गाड़ियों के, हर तरफ कार्स ही कार्स हैं। ये चेक करो, सिविक, मर्सिडीज, वेयर आर यू गाइस, अल्टिमा है, करोला है, फिलहाल तक तो वो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा यार पहले से गाड़ियाँ आई हुई हैं, काफ़ी अच्छी कंडीशन में है बाय द वे सारी कार्स। मैं जो गाड़ियाँ देख रहे हैं वो तो इस लिस्ट में भी नहीं है, मैंने लिस्ट भी लेके देख ली, पहले मैंने वैसे मैनुअली खुद गाड़ियाँ चेक की, फिर लिस्ट चेक कर ली। खैर अब मैं आपको वैसी गाड़ियाँ दिखा देता हूँ, अगर मुझे कोई पसंद आ गई तो जो है ना देख लेंगे, अगर लेने का कोई सीन हुआ तो। बाकी लेते कैसे यहाँ से वही मैं आपको बता दूंगा। तो आपको मैं कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर दिखा देता हूँ अभी कि यहाँ पर क्या मामला चल रहे हैं कार्स के। तो लेट्स स्टार्ट, किस गाड़ी से करना चाहिए, मेरे ख्याल से प्राडो वगैरह से करते हैं, पीछे खड़ी हुई हैं एसयूवी सारी, तो उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। प्राडो हो गई और उसके बाद निसान पेट्रोल हो गई, पोर्श हो गई, इन गाड़ियों से स्टार्ट करते हैं। अच्छा वैसे मैंने आप लोगों को कभी निसान पेट्रोल इतनी ज़्यादा अपनी वीडियोस में नहीं दिखाई, पर ज़्यादातर लोग निसान पेट्रोल को लैंड क्रूजर से ज़्यादा पसंद करते हैं, तो लोकल अरबी हैं। तो ये भी एक जीप खड़ी हुई काफ़ी पुराने मॉडल की। खैर ये निसान पेट्रोल 2015 मॉडल है, तो V8, लेट्स सी इनसाइड। तो अंदर से ये ऐसे कुछ मामला था, ये कंडीशन है, कंडीशन काफ़ी सही लग रही है। वैसे ये जो गाड़ी है ना थोड़ी सी साइज़ में लैंड क्रूजर से बड़ी होती है, ठीक है, ये चेक करो, खड़ी बिल्कुल एंड में है तो इसलिए जाना। साथ ही उसके फॉर्च्यूनर खड़ी हुई है, फॉर्च्यूनर दिखाता हूँ फ्रंट से, इधर से बिल्कुल चला जाता हूँ, ये है जी फॉर्च्यूनर। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 2014 मॉडल की फॉर्च्यूनर है, फॉर्च्यूनर बेसिकली यहाँ पे 1,10,000-20,000 दिरहम की ब्रांड न्यू आती है। तो ये जो गाड़ी है ये भी मैं देखते हैं कितने की होनी चाहिए, ये भी मैं आपको आइडिया थोड़ा सा देता हूँ, या यहाँ पे मेंशन कर दूँगा या वीडियो में बताया था। तो ये है फॉर्च्यूनर फ्रंट से। अच्छा जितनी भी गाड़ियाँ ना बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन कार्स यहाँ पे आई हुई हैं यार, और काफ़ी कमाल है, क्या ज़बरदस्त इसका इंटीरियर लग रहा है, नीट एंड क्लीन कार्स हैं सारी आज यहाँ पे, ज़बरदस्त। ये इसके बैक साइड से कुछ मामलात हैं। अच्छा इसकी माइलेज कितनी है, लेट मी सी, अगर है तो अंदर माइलेज तो नहीं है इसके अंदर, बट बैक साइड से देखते हैं, ज़बरदस्त है यार। यहाँ पे किया स्पोर्टेज खड़ी है, पहले ये देख लेते हैं, प्राडो भी सारी खड़ी हुई है, लेकिन किया स्पोर्टेज का ये है कि आजकल पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही है और बहुत ज़्यादा लोग इसको ले रहे हैं। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या इसके मामला चल रहे हैं, कंडीशन क्या है और कितने की होनी चाहिए। वैसे मुझे इसका आइडिया इतना है नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर प्राइस जो है ना आइडियल मैंशन करूँगा, पहले इसके मैं ब्रांड न्यू की प्राइस देख लूँ ऑनलाइन कितनी है। यहाँ पर पाकिस्तान में तो 50 लाख है, इंडिया में पता नहीं कितनी है, लेट मी सी। बाकी इंटीरियर ये इसका इंटीरियर भी काफ़ी ज़बरदस्त है काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन गाड़ी, और 2017 मॉडल है ये। तो ये कुछ इसके मामला चल रहे हैं किया स्पोर्टेज के, ये इसका स्पीडोमीटर वगैरह इसके अंदर सारा कुछ ऑटोमेटिक, बेसिकली यहाँ पे गाड़ियाँ सारी ही ऑटोमेटिक होती हैं, प्राडो हो, लैंड क्रूजर हो, कोई भी हो, यहाँ पे ऑटोमेटिक ही मिलेगी। राइट, जो प्राडो है वो अंदर से लॉक है तो उसका पॉइंट नहीं बनता आप लोगों को दिखाने का। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ टोयोटा कैमरी। तो इस टोयोटा कैमरी का ये सीन होता है कि मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया कि लोग अक्सर मोस्टली टैक्सी लेके उसको रिकंडीशन करके सेल करते हैं, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं। मोस्टली ये गाड़ियाँ अमेरिका उधर जाती हैं, सॉरी सऊदी भी बहुत ज़्यादा ये गाड़ियाँ जाती हैं। तो लेट्स सी, अभी यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मॉडिफाई की उन्होंने की हुई है खुद टैक्सी लेके, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट यार मिल जाता होता है वैसे,
लेट मी सी, मुझे गाड़ी चेक करने दो, अगर कोई पॉइंट ऐसा यहाँ पे इसका नज़र आ गया मुझे वो भी मेंशन करूँगा। मुझे एक चीज़ तो इसमें नज़र आ गई है जो कि ये टैक्सी में ही होती है वो गाड़ी की, तो लेट मी शो यू। ये 2017 का मॉडल है, उसके बाद ये अपग्रेड हो गई, ये वाली शेप आ गई थी, ये वाली कैमरे में मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन देखो सबसे पहले बाहर से इसकी जो कंडीशन है ना वो काफ़ी साफ़ सुथरी लग रही, गाड़ी जो है ना रीपेंट हुई हुई है, तो रीपेंट का आप लोग मतलब आइडिया आप लोग लगा सकते हैं। देखो ये इसका ये साइड मिरर भी रीपेंट है, तो ओवरऑल ये रीपेंट हुई है। उसके बाद यहाँ पे इसकी शीट लगी होती है, बेसिकली ये पासिंग होती है यहाँ पे इस गाड़ी की, ये गाड़ी पास है, इसके टायर कैसे हैं, एक एक चीज़ की शीट यहाँ पे इन्होंने लगाई हुई है। ये मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ होती है। गाड़ी अपने नाम पे रजिस्टर कराने से पहले उसकी इंस्पेक्शन करती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की तरफ से इसकी इंस्पेक्शन होती है, जो कि बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ है। आपका मुल्किया यानी कि रजिस्ट्रेशन गाड़ी की जो होती है और इंश्योरेंस होती है कार की, वो गवर्नमेंट वाले खुद चेक करते हैं। तो उसमें एक एक चीज़ का बताते हैं, इसके नट का, बोल्ट का, कितने किलोमीटर ड्रीवन है, अगर किसी ने पीछे भी मीटर किया हो तो सब कुछ उसका पता चल जाता है। और अगर वैसे भी किसी ने ना चेक करवानी हो इसको ना पता चलता हो तो 200 दिरहम या 150 दिरहम होता है इसका, तो वो लोग इंस्पेक्शन इसकी कर देते हैं गाड़ी की, जो कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उसके ऊपर शीट लगी हुई है, कुछ कार्स पे लगी हुई है, कुछ पे नहीं भी लगी हुई, तो बेसिकली अगर इसका कुछ भी काम हो ना, ब्रेक्स, इसके टायर्स, इसकी लाइट्स, एक इवन कुछ छोटा सा भी मसला हो तो गाड़ी रोड लीगल नहीं होती है, वो पास नहीं करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन नहीं होती है गाड़ी की, हर साल रिन्यू करानी पड़ती है रजिस्ट्रेशन। तो ये कुछ रजिस्ट्रेशन का मामला था, अभी मैं आपको इसका बताता हूँ इंटीरियर का क्या मामला चल रहा है, तो उसके बाद आगे पे चलते हैं। अच्छा जी, ये इसका इंटीरियर है, यहाँ पे भी इसके सारे सिस्टम लगे हुए हैं, तो इसमें LCD है, इसमें ऑटोमेटिक गियर है, सारा कुछ इसमें लगाया हुआ है, इसके अंदर जितने भी सारे सिस्टम है, इसमें क्रूज कंट्रोल लगा हुआ है, इसमें वॉल्यूम अप एंड डाउन का सारा कुछ लगा हुआ है इसके अंदर। तो पीछे से गाड़ी की इसकी जो अंदर कवर चढ़ाए हैं वो भी ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू जैसे ही लगाए हुए हैं, लेकिन इसमें क्या एक चीज़ है जो मुझे स्पेशियस लग रही है। अच्छा, ये जो कार है ना, ये वैसे तो उन्होंने मतलब फुल ऑप्शन की हुई है, क्रूज कंट्रोल वगैरह ये वो, जो कि ये चीज़ें बेसिकली टैक्सी में नहीं होती हैं, तो इसलिए नॉर्मल बंदे को पता नहीं चला। लेकिन इसका इन्होंने एक चीज़ चेंज नहीं की है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इन्होंने चेंज नहीं किया इसका ये वाला मीटर का स्टाइल है, बेसिकली जो इतनी फुल ऑप्शन गाड़ी है जिसके अंदर क्रूज कंट्रोल भी है, सारा कुछ है उसके अंदर, ऐसा ये सिंपल सा फ्लैट सा नहीं होता, उसके ऊपर ये 3D टाइप का यहाँ पे इसकी स्पीडोमीटर वगैरह सारा कुछ होता है, तो ये चीज़ उन्होंने चेंज नहीं किया। बाकी उसके अलावा गाड़ी को ऐसे मतलब रेडी किया हुआ कि कोई बंदा पहचान नहीं सकता। तो बाकी जो इसमें ये सनरूफ भी लगाई गई है, ये लगाने वाले सारा कुछ कर लेते होते हैं, ठीक है। इससे मुझे सस्पिशियस लग रही है, लेकिन गाड़ी इतनी ज़बरदस्त तरीके से खड़ी हुई है कि मैं भी नहीं बता सकता कि टैक्सी है कि नहीं, लेकिन इस चीज़ से मुझे डाउट हो रहा है, क्योंकि इस चीज़ की इतनी फुल स्पेसिफिकेशन की कार हो उसमें स्पीडोमीटर ऐसा नहीं होता, उसका बिल्कुल सिंपल सा सादा सा, तो ये बस डिफरेंस लगा है मुझे। उसके बाद और देखते हैं, होंडा अकॉर्ड खड़ी हुई है, फॉर्चुनर खड़ी हुई है, और ये वाली बेसिकली ये वाली कैमरी आपको लगाऊंगा मैं अब दिखाया, तो नेक्स्ट वाली जो कैमरी है पोर्श भी खड़ी है यहाँ पे 2018 में इन्होंने, बल्कि इस वाली शेप में भी हाइब्रिड कुछ आई थी, तो इस शेप में भी हाइब्रिड गाड़ियाँ आई हैं, ये तो ये हाइब्रिड वाली वेरिएंट यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसके जो पीछे बम्पर है उसमें भी सेंसर वगैरह लगे हुए हैं। खैर, ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा प्यारी है यार, स्पोर्टी लुक में इन्होंने बनाई है, तो एक मिनट मैं फ्रंट से आपको दिखा दूँ फिर अंदर से दिखाता हूँ। अच्छा, इसके ऊपर भी ये शीट लगी हुई है सारा कुछ, ये देख लो इसके ऊपर, तो ये है फ्रंट से, अंदर से देखते हैं और क्या मामला था। शेप बहुत प्यारी होती है यार इसकी वैसे, तो ये है जी इंटीरियर इसका। ये वाली गाड़ियाँ भी टैक्सी में हैं, लेकिन अभी ये मेरे ख्याल से जो है ना इतनी ये गाड़ियाँ टैक्सी वाले सेल आउट नहीं कर रहे हैं, ये गाड़ी उसको सेल आउट करते हैं या तो बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाए या फिर 4 साल पुरानी हो जाए गाड़ी, फिर 4 साल से पुरानी गाड़ी नहीं चलने देते हैं। तो ये इसके किलोमीटर्स ड्रीवन है, तो बाकी ओवरऑल ये गाड़ी भी यार काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है इसके। अच्छा, जो इसका इंटीरियर है ना, जो होंडा सिविक का इतना बड़ा डैशबोर्ड है, इतना बड़ा मैंने आज तक किसी गाड़ी का नहीं देखा, हालांकि ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बड़ी और खुली होती है होंडा सिविक से, तो ये कुछ इसके मामलात होते हैं। अच्छा, ये 2006 मॉडल की एक पोर्श खड़ी हुई है, जो कि कंडीशन वाइज भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, और ये जो पोर्श है ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती होगी, 4-5 हज़ार दिरहम की होनी चाहिए ये गाड़ी, मैक्सिमम भी मेरे ख्याल से इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ऑक्शन सीट्स मैंने देख रहा हूँ कि सब पे लगी हुई है पासिंग वाली शीट्स जो होती हैं, तो यार ये इंटीरियर वैसे वाइज देखो ना, लग्जरी का अपना ही लेवल है। जब पोर्श वगैरह की गाड़ियाँ देखो 2006 के अंदर ये आई है गाड़ी, लेकिन फिर भी जो इसका इंटीरियर है वो आज की कई गाड़ियों से ज़्यादा बेटर है। इसके अंदर बैठती जो है ना एक लग्जरी फील हुई है कि वाकई गाड़ी लग्जरी है। और ये देखो इसके पीछे भी सीट्स वगैरह है भी, खैर अंदर से तो काफ़ी नीट क्लीन है, पीछे वो बाहर से थोड़ा सा पेंट वगैरह कुछ है, तो बहरहाल यार ये चेक कर रहे हो, इसका कलर चेक कर रहे हो, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़बरदस्त है, डार्क ब्राउन सा कलर है इसका, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा लग्जरी लग रही है गाड़ी कसम से, और होनी भी ये सस्ती चाहिए, बहुत सस्ती हो गई है। ये चेक करो पीछे से,
अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे निशान सनी खड़ी हुई है। निशान सनी का मैंने आपको पहले भी काफ़ी बताया कि यहाँ पे जो है ना समझ लो यहाँ की मेहरान है ये, तो काफ़ी लोग लेते हैं इसको रफ़ यूज़ के लिए, काफ़ी ज़्यादा लोग ये लेते हैं, काफ़ी हार्ड होती है और इसकी मार्केट वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। बाकी है तो ये बेसिक सी बिल्कुल ही नॉर्मल सी गाड़ी है, तो इसके अंदर कोई इतना ज़्यादा खास होता नहीं है। बाकी ये देख लो आप सिंपल सिंपल सा सारा कुछ इसका है, इसका स्पीडोमीटर हो गया या इसका डैशबोर्ड हो गया। तो ये गाड़ी जो है इसकी मार्केट वैल्यू यार काफ़ी हाई रहती है यहाँ पर, हालांकि ये गाड़ी काफ़ी कंडीशन इसकी ख़राब है और लेकिन फिर भी ये अच्छी प्राइस में सेल हो जाएगी। ये हो गई तो वैसे तकरीबन ये वैसे होगी 10,000 से नीचे नीचे ही, 2018 मॉडल है जो कंडीशन इसकी चल रही है 10,000 से नीचे नीचे ही ये होगी। गाड़ी की वैल्यू आप लोगों का पता है जब कोई पैसे भरने वाला हो, मार्केट वैल्यू पर डिपेंड करता था। खैर यहाँ पे एक्सल ही खड़ी हुई है, ये भी 2008 मॉडल होना या 9 होगा मॉडल मैक्सिमम भी। तो यहाँ पे वैसे मोस्टली एक्सल ही जी एल आई वगैरह नाम नहीं होते, एस ई या इस टाइप के होता है नाम। तो इसका ओरिजिनल करोला होता है। इसकी जो है ना कलर वगैरह छत से होने वाला है। इसको यहाँ से इंटीरियर चेक कर लेते हैं। तो ये है इसका इंटीरियर, इंटीरियर अच्छा लग रहा है। अच्छा इसकी ये देखो किधर की लाइट, इसकी लाइट इसके इसमें नहीं आई है, लेकिन इसका जो ये स्पीडोमीटर देख लो आप, ज़्यादा 3D से अटैच है इसके अंदर। तो ये तो ये या तो ये अमेरिकन स्पेक्स की गाड़ी है या फिर जो है ये फुल ऑप्शन वाली गाड़ी थी, तो इसलिए जो है ना इसका जो इंटीरियर है वो ऐसा इन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पे करोला की, होंडा सिविक की, कैमरी की मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि होंडा सिविक वगैरह यहाँ पे फिलिपीन के लोग और पाकिस्तान के लोग होंडा सिविक रिबॉन जो है बहुत ज़्यादा ख़रीदते हैं। और ये जो कैमरी हो गई ये भी पाकिस्तानी वगैरह और मोस्टली जो पठान है वो कैमरी और करोला बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, इसलिए इनकी मार्केट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, अच्छे पैसे काफ़ी मिलते हैं इन गाड़ियों के ऊपर। तो इस गाड़ी के ऊपर भी मुझे नज़र आ रही है शीट, ऑक्शन शीट लगी हुई है। तो ये बाहर से अच्छा मोस्टली यहाँ पे गाड़ियाँ जो है ना अंदर से ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, प्यारी हैं। अच्छा मैं आप लोगों को एक लेक्सस दिखाता हूँ यहाँ पे। तो लेक्सस आप लोगों को पता है ये टोयोटा की एक लग्जरी ब्रांड है, लेकिन ये लेक्सस जो है आप काफ़ी सस्ती लेक्सस है, ये भी 10,000 दिरहम के अंडर ही आती है ये वाली। तो लेट मी शो यू फ्रॉम इनसाइड। तो ये है इस लेक्सस का इंटीरियर जो कि अच्छा लग रहा है, इनका बहुत ज़बरदस्त नहीं लग रहा है, न्यू मॉडल का नहीं लग रहा है। देखो डैशबोर्ड कितना छोटा है यार इसका, तो खैर अच्छा लग रहा है। और बाकी ये है कि इसके अंदर सारा ये क्रूज कंट्रोल भी लगा हुआ है, पैडल शिफ्टर भी लगा हुआ है, यानी कि अगर आप लोगों ने ऑटोमेटिक ड्राइव करने तो ऑटोमेटिक भी कर सकते हो ड्राइव, उसके अलावा पैडल शिफ्टर के साथ भी यूज़ कर सकते हो इस गाड़ी को, क्योंकि ये लग्जरी ब्रांड है तो इसमें ये गाड़ी जो है ना लग्जरी है वैसे, तो अंदर बैठ के भी अच्छा फील हो रहा है मुझे इसके अंदर। खैर बाकी सब कुछ इसके अंदर जितना भी सिस्टम ये लोग दे सकते थे, ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा इन्होंने दिए हुए हैं इस गाड़ी के अंदर। तो लेट मी शो यू फ्रॉम आउटसाइड। आजकल लेक्सस की जो है ना वो ग्रिल ऐसे ऐसे वाली आ रही है, आप लोगों को पता होगा कौन सा न्यू मॉडल चल रहा है। तो ये बेसिकली फेस अपलिफ्ट भी हो जाती है, लोग इसी करा लेते हैं, उसके आगे से बम्पर वगैरह इसकी लाइट्स वगैरह चेंज करके फेस अपलिफ्ट करके लेटेस्ट मॉडल में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो भाई बात यह है कि अभी तक कोई ऐसी गाड़ी नज़र नहीं आई जो अपने दिल को लगे कि हाँ ये गाड़ी ले लेनी चाहिए। तो मेनली मैं देखने आया था होंडा सिविक और मर्सिडीज ई क्लास, अगर वो गाड़ियाँ यहाँ पे होती तो बिड के लिए 5,000 दिरहम इनको देने पड़ते और वो ऑक्शन के लिए मुझे बिड देते, और जब इनकी ऑक्शन हो रही होती जो कि मैंने पहले भी आपको काफ़ी वीडियोस में बताया भी है और दिखाया भी हुआ है कि गाड़ियाँ सामने से गुजरती हैं, हम लोग अपना बिड का नंबर ऊपर करते हैं और मतलब जो बिड लगा रहे हों, तो बिड का भी मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता दिया कि बिड चीज़ क्या होती है, कई लोग ये पूछ रहे थे, बेसिकली बोली होती है, आम जबान में बोली बोलते हैं उसको। तो अभी जो है ना कोई मूड नहीं है तो इसलिए चलते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा मैंने सोचा जाता था आप लोगों को डस्टर भी दिखा दूं, ये भी 6-7 हज़ार दिरहम में आजकल मिल जाती है डस्टर आराम से, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है डस्टर, रेनॉल्ट डस्टर रेनॉल्ट।